नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 2 मार्च 2020, और 2 मार्च 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से चलती ट्रेन में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मुजफ्फरपुर रेल जिला मॉडल को अब बिहार के किस रेलवे डिवीजन में लागू किया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर रेल जिला मॉडल में दोस्तों शुरू किया गया था, जिस 1 जनवरी 2020 से की चलती ट्रेन में FIR करना शुरू किया गया था, ठीक है। और इसको अब दोस्तों बिहार के 3 डिवीज़न में, इसको रेलवे डिवीज़न में लागू किया जाएगा, जो कि पटना, कटिहार और जमालपुर है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया, उपयुक्त सभी। और 1 जनवरी 2020 से मुजफ्फरपुर रेल पुलिस जिला में यह सुविधा शुरू की गई थी, ठीक है। और अब ये 3 और ये डिवीज़न में इसको शुरू कर दिया गया है। अब नाम है मुजफ्फरपुर का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, ये आया बिहार का मैप और ये रहा आपका मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिला का सीमा और किस किस जिला से सटा हुआ है, तो देखिए पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है, गोपालगंज है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं शिवहर, तो वास्तविक में मुजफ्फरपुर जिला और शिवहर जिला का सीमा नहीं सटता है, ठीक है। और दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर है और ये सारण जो है, इसके बीच में एक नदी बहती है, गंडक नदी। चलिए इसको बिहार के भौगोलिक मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, इस मैप में ये रहा मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये है सारण। तो इस दोनों के बीच में देखिए एक नदी बह रही है, ये गंडक नदी है, ठीक है। गंडक नदी बिहार में देखिए नेपाल के तरफ से आके पश्चिम चंपारण में प्रवेश कर रही है, ठीक है। और देखिए ये मुजफ्फरपुर है, ऊपर में ये है शिवहर जिला, जो कि आपको पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी के बीच में है और इसका सीमा मुजफ्फरपुर से नहीं सट रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर जो है ये तिरहुत प्रमंडल में आता है, मुख्यालय इसका मुजफ्फरपुर हुआ और मुजफ्फरपुर जिला का स्थापना 1875 में हुआ है। और तिरहुत प्रमंडल जो है ये बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल है, ठीक है। इसके अंतर्गत 6 जिला आता है, वो है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। और मुजफ्फरपुर का प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक और बागमती है। यहाँ का प्रमुख फसल धान, गेहूँ, मक्का और लीची, आम हो गया। और यहाँ का प्रमुख उद्योग है चीनी मिल, दवा उद्योग और गैस रिफिलिंग प्लांट। और बिहार की आर्थिक राजधानी बोला जाता है मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है भारत में। और मुजफ्फरपुर में ही 1908 में खुद्दीराम बोस को फांसी हुई थी, जो कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका था। उस समय किंग्सफोर्ड जो थे मुजफ्फरपुर कोर्ट के जज थे, और उन्हीं के गाड़ी पर खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंक दिया था। और 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1856 से पहले दोस्तों मुजफ्फरपुर जेल में जितने भी कैदी रहते थे तो उनको पीतल का लोटा दिया जाता था, और जब अंग्रेज आए तो उन लोग को पीतल का लोटा वापस लेकर उसके जगह पर उन लोगों को मिट्टी का लोटा दिया गया, जिस कारण मुजफ्फरपुर के जेल के जो कैदी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसी को लोटा विद्रोह के नाम से उस विद्रोह को जाना जाता है, जो कि 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो दोस्तों, बिहार के मुकेश कुमार सिंह ने रजत पदक जीता है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, फाइनल मुकाबले में मुकेश कुमार सिंह को पंजाब के राम लखन ने हराया है, और बिहार के नीरज कुमार ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा NPA पाया गया है। NPA होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, कोई भी व्यक्ति लोन जो लेता है बैंक से, ठीक है, और वो लोन का चुकता नहीं कर पाता है, तो उसी को बैंक उस लोन को NPA के कैटेगरी में डालती है, ठीक है, तो उसी को NPA कहा जाता है। तो दोस्तों, कृषि लोन जो है बिहार में सबसे ज़्यादा NPA कैटेगरी में कृषि लोन आया है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और राज्य में सार्वजनिक बैंकों के खातों में लगभग 11,000 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं लोन में, ठीक है। इसमें कृषि लोन है, सिर्फ कृषि लोन है दोस्तों, 6,69,59,392 लाख रुपया, ठीक है। तो और उसके बाद दोस्तों, इसको वसूली करने के लिए 4,11,644 सर्टिफिकेट केस भी दायर किया जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी के लिए फीडबैक देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो स्मार्ट सिटी के लिए फीडबैक देने में दोस्तों
मुजफ्फरपुर जिला प्रथम स्थान पे आया है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों दूसरा स्थान पे भागलपुर और तीसरा स्थान पे पटना रहा। स्मार्ट सिटी में मिल रही सुविधाओं के आधार पर केंद्र सरकार के तरफ से जारी किए गए 24 सवालों के जवाब ऑनलाइन देने में मुजफ्फरपुर रहा प्रथम स्थान पर। और केंद्र सरकार के तरफ से देश भर में 100 स्मार्ट सिटी के बीच 1 से 29 फरवरी तक फीडबैक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और सब दोस्तों सबसे कम जो फीडबैक आया है वो बिहार शरीफ से आया है, बिहार के। तो बिहार में प्रथम स्थान पे मुजफ्फरपुर रहा, दूसरा स्थान पे भागलपुर तथा तीसरा स्थान पे पटना रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में कहाँ पर विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों कहलगांव में, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। भागलपुर के कहलगांव में दोस्तों 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को दिल्ली में हिंदी सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अमरनाथ पाठक जी को, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। साहित्य व संस्कृति शोध संस्थान मुंबई द्वारा दिल्ली में डॉक्टर अमरनाथ पाठक को हिंदी सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर अमरनाथ पाठक जो है ये मगध विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है 1 मार्च को, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। यूनाइटेड नेशन ने 1 मार्च 2014 को पहली बार शून्य भेदभाव दिवस मनाया था, ठीक है। और HIV व एड्स पर संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2013 को विश्व एड्स दिवस पर शून्य भेदभाव अभियान शुरू किया था। और इसके साथ ही दोस्तों 1 मार्च को विश्व नागरिकता रक्षा दिवस भी मनाया जाता है, जिसका 2020 का थीम है बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। 1990 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता सुरक्षा संगठन के द्वारा इस दिवस को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया था 29 फरवरी को, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। दुर्लभ रोग दिवस 2020 का थीम है रेयर इज मेनी, रेयर इज स्ट्रॉन्ग और रेयर इज प्राइड, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों ये 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 29 फरवरी को मनाया गया दुर्लभ रोग दिवस और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। इस दिवस की स्थापना 27 फरवरी 2009 को समाज सेवी मानवीस, ठीक है, मार्कविस लियर्स स्कॉटमैन द्वारा किया गया था। और इसमें 12 सदस्य देशों द्वारा 17 अप्रैल 2010 को घोषित किया गया था इस दिवस को, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, और चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, कौन से नंबर पर महिलाओं के लिए सामेकित हेल्पलाइन योजना शुरू किया गया है? तो 112, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। कल का दूसरा क्वेश्चन था, नए नगरपालिका संशोधन अधिनियम के अनुसार मेयर व उपमेयर के खिलाफ कितने बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा? तो सही उत्तर इसका हो गया 1 बार, ठीक है। तो आज का आंसर ऑफ द डे हो गया C&C। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस व्यक्ति द्वारा निर्देशित फिल्म ललक का चयन अमेरिका में आयोजित होने वाले द सीन फिल्म फेस्टिवल में किया गया है? और आज का दूसरा क्वेश्चन है, सीतामढ़ी जिला में कौन सी नदी 45 साल बाद फिर से बहने लगी है? तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारा खबरी एप्लीकेशन पे हमारे बिहार चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और खबरी एप्लीकेशन पे प्रतिदिन इस वीडियो का शाम में ऑडियो अपलोड किया जाता है, जिसे सुनकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।